इंडियन नेशनलिज्म में सिंक ट्रेड विथ चाइना ओवर 30%, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, जो चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट की न्यूज़पेपर मानी जाती है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो कुछ भी कहना है वो ग्लोबल टाइम्स के थ्रू ही कहती है। तो उनका ये मानना है कि इंडियन नेशनलिज्म मतलब कि भारत में जो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है चाइना के खिलाफ, उससे इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड 30% तक कम हो सकते हैं। बात करेंगे इसी मैटर पे और क्या कहती है रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के इस एनालिसिस के सेक्शन में मैं वेलकम करता हूँ। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट्स के बारे में। अभी कल ही इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया में, और उसके बाद ये रिएक्शन आया था ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कि इंडिया फैब्रिकेट्स क्लेम डैट इट वरीज़ चाइनीज़ पावर इक्विपमेंट हैज़ मालवेयर ट्रोजन हॉर्सेस, इंडियाज़ कॉपिंग यूएस स्टैंड्स इन स्ट्राइंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड से एनालिस्ट एंड फर्म्स। तो यहाँ पे चाइना की ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर का ये कहना है कि इंडिया जो है चाइना को एक हद तक कॉपी कर रहा है, और चाइना के जो ऐप्स हैं वो इंडिया में स्पाइंग का काम कर रहे हैं, ऐसा इंडिया मान के जो है 59 जो ऐप्स हैं चाइनीज़ ऐप्स उसने बैन कर दिया है। आगे ग्लोबल टाइम्स की और एक ट्वीट है जिसमें ग्लोबल टाइम्स में ने ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म टुवर्ड्स चाइना इज़ राइजिंग, बढ़ रहा है जो है राष्ट्रवाद इंडिया में जो चाइना के ख़िलाफ़ है वो। और इसका एक बड़ा रीज़न ग्लोबल टाइम्स ने ये माना है कि इंडिया जो है वो कोविड-19 को कंट्रोल करने में बिल्कुल असफल रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसी के कारण वह चाइना के ऊपर ये क्लेम बार बार करता है कि इसका रीज़न चाइना है और चाइना के ख़िलाफ़ इसलिए जो है इंडिया में जो है राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है, पूरी रिपोर्ट्स का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रेड वार और जो ट्रेड धीरे धीरे कम होगा इसे चाइना किस रूप में देखता है। जो ग्लोबल टाइम्स है उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अभी जो है नेशनलिज्म इंडिया में काफ़ी तेज़ी से चाइना के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे ये इकोनॉमिक एरियाज़ पे बढ़ रहा है। लोग जो है इंडिया में जो चाइनीज़ गुड्स है उसका बॉयकट कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ जो गुड्स है उनका यूज नहीं करना है। चाइना ये मानता है कि इसका कुछ हद तक ये रीज़न है कि इंडिया जो है कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने में बिल्कुल असफल रहा है, और इसके कारण इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड जो है 30% तक इस ईयर में गिर सकता है। आगे जो है चाइनीज़ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अनसर्टेनिटीज़ बढ़ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की इंडिया के ऊपर उस पर, और धीरे धीरे जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ रही है, और ये जो है धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है, ऐसा चाइनीज़ रिपोर्ट्स का कहना है। जिसके बाद जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं और फर्म्स हैं वो अब सोचने लगी है कि इंडियन नेशनलिज्म से उनके बिजनेस को कितने हद तक नुकसान हो सकता है, और जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया पे इन्वेस्ट करे या ना करे, और अगर करे भी तो पूरी कॉशन लेके। आगे बात करते हैं तो जो बॉयकॉट चाइना जो प्रोडक्ट है इंडिया में जो नया मूवमेंट शुरू किया गया है उसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जून 2022 के बाद मैसिव जो है कस्टम ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसा चाइनीज़ गवर्नमेंट का मानना है। और सिर्फ ये जो चाइनीज़ गुड्स है बस उसी के ऊपर नहीं, बल्कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले इंडियन कंपनीज़ के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर, साथ ही साथ एप्पल, सिस्को और डेल जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है कस्टम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसा मानना है चाइनीज़ रिपोर्ट्स का। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है पूरी तरह से यूएस का कॉपी करना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि जो इंडस्ट्रियल रीलोकलाइजेशन है मतलब कि चाइना से जितने भी इंडस्ट्री है वो उठ के इंडिया चले आएँ, ऐसा अगर इंडिया सोचता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडिया के पास इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनसफिशियंट स्ट्रक्चर है, ये साफ तौर पे जो है चाइनीज़ मीडिया कहती है, और साथ ही साथ हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर दोनों की फैसिलिटीज़ इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण जो है चाइना का एक ऑप्शन इंडिया के तो इंडिया को नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा जो है चाइनीज़ रिपोर्ट्स मानती है। आगे देखते हैं, चाइनीज़ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच, वो 50% तक डिक्रीज हो सकती है ईयर 2020 में। और ये काफ़ी बड़ी बात होगी कि अगर ये ट्रेड 50% तक घट जाता है तो ऑफ कोर्स चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन इंडिया को भी थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, चाइना का एक और जो व्यू है वो ये है कि इंडिया इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं अभी पैंडेमिक के, कोविड-19 पैंडेमिक के, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फैल गए हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल सिस्टम है वो इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा चाइना का मानना है, और जिसके कारण जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे सर्वाइव करने में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये मानना है, या चाइनीज़ मीडिया के साथ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया को कूल डाउन होके इसके नेशनलिज्म को थोड़ा अभी शांत करना चाहिए, साथ ही साथ एक रैशनल स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, एक काम की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे उसके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है अच्छे हों और साथ ही साथ ट्रेड अच्छी हो, ना कि एक वाइल्ड नेशनलिज्म के चक्कर में जो है इंडिया कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे दोनों के बीच ट्रेड काफ़ी ख़राब हो जाए और दोनों कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़े। ये चाइना का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, ये था चाइनीज़ रिपोर्ट्स के बारे में एक एनालिसिस, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।